वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं इसमें टेंस के बारे में, और अभी हम जो है हमने करीबन 4 टेंस अभी इसमें पढ़ लिए हैं। तो अब इसमें जो है आपको कुछ प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है सेकेंड प्रैक्टिस क्लास है। फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास हमारी हो चुकी है, जिसका कि लिंक आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हमारा टेंस पर कमांड बढ़ता जाएगा। तो आज का हमारा जो टेंस रहेगा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसकी हम जो है प्रैक्टिस लेंगे। इसमें हमें करना है चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में जो हमने असर्टिव सेंटेंस बनाए थे, जो स्टेटमेंट यानी कि हम किसी से कोई बात कहते हैं ऐसे हमने सेंटेंस बनाए थे, जैसे वह जाता है ही गोज, वह खेलती है शी प्लेज। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हमें इंट्रोगेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक में चेंज करना है। लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस है ही स्पीक्स, वह बोलता है, ही स्पीक्स। तो इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, देखें। डू ही स्पीक? नो, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है। डज ही स्पीक? ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सही कैसे है बता दूं आपको मैं। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही स्पीक्स, वह बोलता है। अब जो हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करना है वो हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमें डज का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि स्पीक्स हमने लिखा था, तो जैसे ही हमने डज का यूज़ किया यहाँ पे आपको स्पीक लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई लर्न, मैं सीखता हूँ, आई लर्न। इसका क्या होगा? डज आई लर्न? नो, दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि ये रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल गलत है। डू आई लर्न? यस, दिस इज करेक्ट आंसर। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डू का यूज़ किया है, ये हमारा करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, आई क्या है? वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, और उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर इस टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी विंस, वह जीतती है। ठीक है, सेंटेंस मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं केवल आपको ये समझाने के लिए कि जब आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को या एक स्टेटमेंट को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, हमें उसमें क्या मेन या मुख्य हमें परिवर्तन करना पड़ेगा वो हमें सीखना है। सेंटेंस तो खूब लंबा बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेट्स सी, डू शी विंस? नो, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल गलत है। डज शी विन? हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो इसमें हमने शी जो हमारा सब्जेक्ट है, शी विंस, शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। अगर आपने प्रोनाउंस के क्लासेस नहीं देखी हैं, उसकी जानकारी नहीं है, तो आप हमारी प्रोनाउन की क्लासेस देख सकते हैं, जिसका के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब बात यह है यहाँ पर कि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि एक फीमेल के लिए आता है, उसके साथ हम डस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू थ्रो, तुम फेंकते हो, यू थ्रो। इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? डज यू थ्रो? नो, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। डू यू थ्रो? यस, दिस इज राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, डू का यूज़ करना पड़ेगा। यू जो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और उसके साथ में हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी रन, हम दौड़ते हैं, वी रन, हम दौड़ते हैं। ठीक है ना, इसका देखें, डज वी रन? नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, सही क्या होगा देख लेते हैं, डू वी रन? हाँ, ये सही है। अब इसमें डू का यूज़ हमने किया है, क्यों किया है? बिकॉज वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, यानी हम, तो हम तो एक से ज़्यादा हो गए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डू का यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? डू आएगी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं रेखा नोज, रेखा जानती है, ठीक है। डू रेखा नो, नहीं ये गलत है। डज रेखा नो, यस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रेखा सिंगुलर हो गई, एक ही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डज का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसमें आप ये देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको अपने सेंटेंस के उस सब्जेक्ट को देखना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके, उसको हमें देखना होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डू डज का यूज़ करना, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस टेंस की आपको पकड़ बन जाएगी बहुत अच्छी सी, ठीक है ना, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते, माई फादर कम्स, मेरे पिताजी आते हैं, माई फादर कम्स। डू माई फादर कम्स, नहीं ये रॉन्ग है, गलत। डज माई फादर कम, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों सही है, डज का यूज़ किया, डज का यूज़ क्यों किया, माई फादर, फादर सिंगुलर आप देख रहे हैं, एक वचन, ठीक है ना, जो पिताजी हैं वो तो एक ही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है कि डू का यूज़ मैं कहाँ करता हूँ, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होगा, और डज का मैं यूज़ करता हूँ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा। चलिए नेक्स्ट, दे बाय, वे खरीदते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डज दे बाय, नहीं ये गलत है, सही क्या है, डू दे बाय, ओके ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे डू क्यों हमने लगाया, बिकॉज दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, बहुवचन प्रोनाउन है ये, तो इसके लिए आपको डू का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना आसान है, कितना ईजी है इस चीज़ को समझना, ठीक है। आपने मेरी जो है लाइव क्लासेस भी देखी होंगी, नहीं देखी हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वहाँ पे आपको मैंने इस टेंस को बहुत ही डीपली और पूरा विस्तार से समझाया है, ठीक है, और उसी की ये प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर वहाँ पर कुछ हमारा कन्फ्यूज़न रह गया हो वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, योर मदर कुक्स, तुम्हारी माताजी बनाती हैं या पकाती हैं, ठीक है। कुक जो वर्ब होती है बनाना या पकाना यानी खाना पकाना, ठीक है, उसके लिए आता है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनेगा, डू योर मदर कुक, नो ये गलत है, क्या होगा, डज योर मदर कुक, ठीक है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डज क्यों, बिकॉज माताजी एक ही है, मदर एक ही है, सिंगुलर हो गई, तो आपको क्या करना है, डज का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू एंड आई प्ले, तुम और मैं खेलते हैं, डज यू एंड आई प्ले, ये गलत है, डू यू एंड आई प्ले, हाँ ये सही है, ठीक है। देखो वैसे भी हमने जो है जो इससे पहले सेंटेंस किए थे उसमें भी हमने यू के लिए डू का यूज़ किया और आई के लिए भी हमने डू का यूज़ किया, ठीक है। अब दोनों ही साथ आ गए, यू भी है और आई भी है, जब ये दोनों ही साथ आ रहे हैं तो भी हमें डू का यूज़ करना है, बिकॉज अब तो दो हो गए, ठीक है ना, आप और मैं दो व्यक्ति हो गए, दो पर्सन हो गए, तो हमें डू का यूज़ करना ही है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही एंड शी सेल, ठीक है, डज ही एंड शी सेल, नहीं ये रॉन्ग है, सही क्या होगा, डू ही एंड शी सेल, हाँ ये सही होगा। देखो ही के लिए हम डस का यूज़ करेंगे और शी के लिए भी हम डस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन अब जो ये सेंटेंस हमको दिया गया है ही एंड शी सेल, तो यहाँ पर तो ये दो हो गए ना, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, जो भी हैं तो ये दो हो गए, ठीक है, जिसको हमने एंड से कनेक्ट किया है, तो आपको क्या करना है, डू का यूज़ करना है, तो डू ही एंड शी सेल, ये हमारा करेक्ट जो है आंसर रहेगा इसका, ठीक है। टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाता है या अध्यापिका पढ़ाती है, ठीक है, अध्यापक हो या अध्यापिका हो यानी सर हो या मैम हो, उसके लिए आपको टीचर ही वर्ड काम में लेना होता है, ठीक है। स्कूल में हम सर मैम कहते हैं, ठीक है, टीचर वर्ड होता है, ठीक है। इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, डू टीचर टीच, नहीं ये गलत है, सही क्या होगा, डज टीचर टीच, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डज क्यों, टीचर लिखा हुआ है, टीचर्स नहीं है,
ठीक है, तो ये सिंगुलर जो है नाउन है, सॉरी ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। जैसे प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लुरल होंगे तो नाउन भी तो सिंगुलर और प्लुरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है, तो आपने डस का यूज़ किया, और जब डस का यूज़ करते हैं तो हमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है टीचेज और मैंने यहाँ लिखा है डज टीचर टीच, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, डस बर्ड फ्लाई, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत। डू बर्ड्स फ्लाई, हाँ ये सही है। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज बर्ड्स लिखा हुआ है, क्या हो गए, प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए, इसलिए आपको डू का यूज करना है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस हमारा आता है बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, डू बर्ड फ्लाई, नो ये रॉन्ग है। डज बर्ड फ्लाई, हाँ ये सही है, क्यों सही है, बर्ड लिखा है यानी एक ही पक्षी है, बर्ड्स नहीं है, पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, बर्ड्स था, ठीक है, हमने डू काम में लिया था, यहाँ पर क्या है, बर्ड है, तो हम क्या लेंगे, डस काम में लेंगे, ठीक है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, डू डॉग बार्क, नहीं ये रॉन्ग है। डज डॉग बार्क, यस ये सही है, क्यों, डॉग सिंगुलर है यहाँ पर, डॉग्स नहीं है, डॉग ही है, तो आपको डस का यूज़ करना है, ठीक है। तरह से अब आपको ये समझ में आ चुका कि जो डू डस का हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सेंटेंस हमारा होगा उसमें हमको सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई के लिए आपको डू का यूज़ करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको डस का यूज़ करना है, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।